के साथ जहां राहुल के बगला खाली करने के नोटिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बड़ा बयान आया, कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों के बंगलों का अब रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमसे भेदभाव किया है और अब छत्तीसगढ़ में भी रिव्यू किया जाएगा। कई पूर्व मंत्री अब भी ऐसे हैं जो सरकारी बंगले में ही रह रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब उनका जो सरकारी बंगला है उसको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर है इस वक्त और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मंत्री हैं उनके बंगलों का भी अब रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने देखिए सीधा सीधा निशाना साधा कि केंद्र ने हमसे भेदभाव किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। राजनीतिक लड़ाई में जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, राजनीतिक लड़ाई में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रही बात बंगलों की, मैंने कल भी कहा और मैं आज फिर दोहराया और फिर तीसरी बार मैं कह रही हूँ कि इसका रिव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर हमारी सरकार उसको देखेगी कि क्या कैसे है। आज के दिन जो पहले जिन कारणों से दिया गया, क्या आज के दिन वो कारण अभी भी हैं, नहीं है, क्या है, तो रिव्यू तो वही लेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। देखिए कुलेश्वर, सीधा सीधा यही सवाल उठता है कि क्या बदले की राजनीति हो रही है कि राहुल गांधी को पहले बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया गया और अब छत्तीसगढ़ में भी बंगले का रिव्यू किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी को बंगले के लिए नोटिस दिया गया कि बंगला खाली कर दिया जाए, निश्चित तौर पर सियासत जो अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने साफ किया है हम भेदभाव नहीं करते, हम बदले की राजनीति नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जरूर कहा है कि जो पूर्व मंत्रियों को जो छत्तीसगढ़ में बंगले आवंटित हैं उसमें किन परिस्थितियों में अभी भी उस बंगले में रह रहे हैं, क्या परिस्थिति थी, अब उनसे बंगला नहीं लिया गया, उसका निश्चित तौर पर यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। राज्य सरकार इसका रिव्यू करेगी निश्चित तौर पर। जिस तरह से राहुल गांधी का बंगला छीना गया है इसको लेकर कांग्रेसी जो है काफ़ी नाराज़ है और कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही जो पूर्व मंत्रियों को बंगला आवंटित, जो कई पुराने मंत्री जो अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं उनके बंगलों का समीक्षा किया जा सकता है कि आखिर वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। आपको याद होगा कि बृजमोहन अग्रवाल है उनका बंगला जो है मंत्री रुद्रगुरु को अलॉट हुआ था, लेकिन कई बार मंत्री रुद्रगुरु ने कहा कि वो बंगला हमको दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बृजमोहन अग्रवाल ने सरकारी आवास नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी सरकारी आवास इसमें पूर्व मंत्री रह रहे हैं, तो अब इस बंगलों का जो है रिव्यू किया जाएगा और निश्चित तौर पर जल्दी इसमें बड़ा एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। तो चलिए देखने वाली बात होगी कि बंगले का रिव्यू करने के बाद आखिर सूची में किस किस का नाम आता है जो सरकारी बंगले में इस वक्त रह रहे हैं और क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका तमाम जानकारी के लिए।